हाय फैमिली, तो आज देखिए वापस मैं एक बार आया हूँ पाइट में, इनामदार चिकन सेंटर में। और आज का वीडियो कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज है फुल यहाँ पे बकरा है अपने पास, और हम लोग आज कुछ अलग स्टाइल में इसको पकाने वाले हैं। तो यहाँ से अभी लेंगे और जाएंगे, एक बढ़िया सा लोकेशन ढूंढेंगे और कुछ बेहतरीन तरीके से इसको बनाएंगे। इसलिए आपको वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखना है, हम लोग कैसे बनाते क्या करते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, लेकिन बहुत बढ़िया कुछ चीज़ होने वाली है। और सामने है हमारे इनामदार जी। सुबह सुबह अभी हम लोग 10 बजे ही पाइट में आए, यहाँ से लेके जाएंगे लोकेशन पे, हमारे यहाँ पे कुछ नया लोकेशन पे, और वहाँ पे इसको बनाएंगे। तो ये कितने केजी का है? ये 8 केजी का बकरा है। मेरे पास बकरे का मटन, बॉयलर, गावरान, देसी सब मिलता है, अंडा। तो देखिए अभी हम लोग आ गए हैं लोकेशन पे, और आज हमारे साथ है हमारे सुरेश मामा जी, हमारे साथ है, जो हमारी मदद करने वाले हैं। बकरा पकाने गए और ये पूरा पैक करने गए। रेडी होने के लिए 3 घंटा लग जाएगा, 3-4 घंटा लगेगा, 3-4 घंटा लग जाएगा। तो चलिए बहुत समय लगेगा, तो शुरू करते हैं अपना फुल बकरा बनाने का काम शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे ये हम लोग इसको मट्टी लगाने वाले, यहाँ से शुरू होता है, और फिर आगे आगे आपको पता चल जाएगा हम लोग क्या क्या करने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको मट्टी से पूरा पैक करना है ना अपने को, साइड से ये पूरा पैक करने के, होल पूरा पैक करने के। ये हमारा मट्टी हम लोगों ने पूरा लगाया है, अंदर बाहर से देखिए पूरा हम लोगों ने पैक किया है, अंदर से भी पैक हो गया, बाहर से भी पैक हो गया। भाई अभी ये जो हम लोग बना रहे फुल बकरा, ये इतना बेहतरीन होने वाला है कि खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। लेकिन भाई वो मैं नज़ारा देखना चाहता हूँ जो पकने के बाद का, क्योंकि अभी इन्होंने जैसे बोला है अगर वैसे बन गया भाई क्या बेहतरीन होगा वो नज़ारा, और खाने में क्या मज़ा आ जाएगा। चलिए अभी सामान लाते हैं और शुरू करते हैं। और अभी अभी गणेश ने हम लोग को ज्वाइन किया है, तो चलिए अभी ये ड्रम भरना है। और यहाँ पे हम लोगों ने गोनी लाया है, देखिए ये जो गोनी लाया हम लोगों ने, ये उसके ऊपर डालना है पूरा भिगो के, ताकि कुछ भी हवा नहीं निकल जाए, और जो अपना बकरा है पूरा अच्छे तरीके से पके। Thank you.
तो ये अभी अपना हो गया बकरा रेडी, पूरा मैरिनेशन किया है, मसाला पूरा लगाया है और इसके अंदर गया ये एक मुर्गी। तो अभी इसको मस्त पैक करते हैं यहाँ से और फिर इसको फॉइल पेपर में इसको मस्त पैक करेंगे और रखेंगे पकने के लिए। बहुत समय हो गया यार, हम लोग सुबह से लेके 10 बजे से लेके हम लोग इसको बना रहे हैं और अभी बज गए 4 बज गए, पूरा अंधेरा होने वाला है। इसको कम से कम पकने के लिए 3 घंटा लगेगा और 3 घंटा 4 और 7 बज जाएगा, तो 7 बजेगा तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ये बनने के लिए हम लोगों ने बहुत सुबह से मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए अभी इसको मस्त पैक कर लेते हैं, फॉइल पेपर में डाल लेते हैं और उसको पकाने के लिए रख देते हैं फाइनली। चलिए फाइनली अपना यहाँ पे ये बकरा रेडी हो गया है। देखिए भाई, ये 8 केजी का बकरा है और इसको रेडी करने के लिए हम लोग को कम से कम 4-5 घंटे लगे और इसको पकने के लिए 3 घंटा लगेगा। तो अभी इसको पकाने के लिए रखते हैं और फिर रेडी होने के बाद इसको खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कैसे तैयार हो गया है ये। चलिए, हम लोगों ने ये रख दिया है देखिए पकने के लिए। अभी इसके ऊपर हम लोग लकड़ी रखेंगे और इसको पूरा बंद कर देंगे। तो चलिए अभी इसको फाइनली हम लोगों ने पकने के लिए रख दिया है और हमारा स्टाइल कैसा है ये कुछ अलग हम लोगों ने किया है, कुछ यूनिक किया है सुरेश मामा ने और हम लोगों ने, बहुत सारे लोग भी है यहाँ पे मदद करने के लिए। लेकिन ये आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसको पकने के लिए कितना समय लगेगा सुरेश मामा भी, कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे और फिर पकने के बाद देखेंगे नज़ारा कैसा लगेगा, मतलब पूरा प्रॉपर पक जाएगा ये? पूरा प्रॉपर पक जाएगा। तो चलिए अभी इसको तो रख दिया हम लोगों ने, अभी मिलते 3 घंटे के बाद, मतलब पूरा अंधेरे में मिलेंगे, अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, अंधेरा कायम रहे और हमारा बकरा यहाँ से फिर आ जाएगा, पूरा प्रॉपर पक जाएगा और मस्त इसका हम लोग एंजॉय लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये कम से कम 3 घंटा इसको पकाया है। तो देखते अभी, मुझे लग रहा है पक गया ये, देखते अभी खोलने के बाद अपने को पता चलेगा कि ये पका है या नहीं पका है। बहुत ज़्यादा मेहनत हमारी हो गई है, रात हो गई है, रात के बज गए अभी 7:30 बज गए, हम लोगों ने 4:30 बजे लगाया था और अभी 7:30 बजे एग्जैक्ट 3 घंटा हुआ है। तो चलिए लेके चलते हैं इसको, आ जाओ, कहाँ से चलना है? पूरा अंधेरा हो गया है और अंधेरे में हम लोग जा रहे इसको लेके, इतनी मेहनत की है तो इसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं अपन, है ना? छोड़ेंगे कैसे? बस गणेश अभी कैसा तीन घंटा हम लोग को लगा पकाने में, इसको पक गया प्रॉपर, लेकिन थोड़ा सा इसको बचा ही है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेट हो गया हम लोग को। मटन लेग पीस, बहुत धीमी धीमी आंच में हम लोगों ने इसको पकाया है,
पक गया है, लेकिन थोड़ा सा कड़क रह गया ये। इसको और थोड़ा देर हम लोग अगर रख देते आधा घंटा तो और भी बढ़िया तरीके से पक जाता था। लेकिन बहुत ज़्यादा रात हो गई और हम लोग को ये पकाने में बहुत ज़्यादा समय लगा। इसके अंदर मुर्गी है, ये भी निकालेंगे अपन और खाएंगे इसको, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा समय लगा। इसको आराम से खाते अपन और ये पक गया है, लेकिन थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा कड़क रह गया। इसको और हम लोग पकाएंगे और मस्त इसको खाएंगे। तो चलिए, सुबह से लेके अभी तक की हमारी ये मेहनत थी जो हम लोगों ने ये पूरा बकरा यहाँ पर पकाया और यहाँ पे रेडी हो गया। तो अभी इसको आराम से खाएंगे, थोड़ा सा और इसको पकाते हैं और फिर खाते हैं। तो चलिए, यही था आज का अपना वीडियो। आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन डिश के वीडियो में लेके आ जाऊँगा। तो चलो, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डिश के साथ। तब तक के लिए बाय।